आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम टाइम एंड वर्क, समय और काम का कुछ ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो बनाने से भी नहीं बनता है। कैसा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग? ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो बनाने से भी नहीं बनता है और बार बार बनाने के बाद भी आप भूल जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि छोड़ो यार, इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर देंगे। स्किप नहीं करना है, आप एनएससी ऑनलाइन क्लास में आइए, जहां पर आपको हम दे रहे हैं रियलिस्टिक अप्रोच समय और काम। इसके लिए हम कहते हैं रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। मंजिल तो हमको लेना ही है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। वक्त मतलब हो गया समय, और समय के साथ हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको देखकर बच्चे डर जाते हैं, उनसे बनता नहीं है, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं। आज जो तरीका बता रहा हूं, ये रियलिस्टिक अप्रोच है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस का। अपने 26 वर्षों के एक्सपीरियंस को आपके सामने दे रहा हूं, और अभी फ्री में दे रहा हूं, पैसा तो लग नहीं रहा है। देखिए और एंजॉय कीजिए, और अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने साथियों को इसको भेजना भूलिएगा नहीं, क्योंकि जो पीओ का एग्जाम देने जा रहा है, जो बैंक क्लर्क का एग्जाम देने जा रहा है, जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है, जो सीएसएल का तैयारी कर रहा है, जो एनटीपीसी के लिए जा रहा है, वो अगर इसको देखेगा तो एग्जाम में जाकर कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए उसको डर नहीं लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे हाथ में क्वेश्चन है आपके लिए, यहां क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। मैंने पहले ही कह दिया है क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट होगा, लेकिन यदि आप समझिएगा मैं बेसिक से टच कर रहा हूं और बनेगा बहुत फास्ट। हर नियम को हम लोग एक साथ मिला देंगे, आप सिर्फ एंजॉय कीजिए और वीडियो पर बने रहिए, छोड़कर बीच में जाना नहीं है। आपको अंत तक वीडियो को देखना है, ताकि आप इस वीडियो का, इस वॉल्यूम का, जो कि हमारा पार्ट 4 है, मजा लेना है। क्वेश्चन है, टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए प्लस बी टुगेदर। किसी काम को करने के लिए बी जो है वो 4 गुना टाइम लेता है, किससे? ए और सी से। ए प्लस सी से बी लेता है 4 गुना टाइम, यानी कि अभी हम लोग जो लिखे हैं ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम है, ध्यान देना है। धीरे धीरे अगर आप समझेंगे, वीडियो को बैक कर लेंगे, वीडियो को स्टिल कर देंगे, रोक लेंगे और देखेंगे, जरूर बनेगा आपसे। ये वही क्वेश्चन है जो जल्दी बच्चों से नहीं बनता है, और मैं हजारों बच्चों को पढ़ा कर देख चुका हूं कि बच्चे इस क्वेश्चन को भूल भी जाते हैं। इसलिए आप इसको रिवाइंड कर करके 2-3 बार देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बी ए और सी से 4 गुना अधिक समय लेता है। नेचुरल है कि यहां पर 2 आदमी है और ये क्या है? अकेले है। टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 4 टाइम्स, 4 गुना समय लेता है। तो ए और सी 1 गुना और ये है 4 गुना, ये क्या है? टाइम है। तो अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की, तो क्या हो जाएगा? ये आ गया इधर और ये आ जाएगा इधर, यानी कि ए और सी की इफिशियंसी क्या है? है ना, 4 टाइम्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन का एक पोर्शन और है, एंड सी वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए प्लस बी टुगेदर। ऐसे कर देते हैं, सेकंड पार्ट को यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, और कह रहा है सी वुड टेक 3 टाइम्स। सी क्या है? 3 गुना टाइम लेता है, किससे? ए और बी से, ए प्लस बी से। मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है। बहुत इजी है और बहुत इजी तरीका से बताया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि 1 सेकंड में नहीं बनने वाला है, टाइम तो लगेगा ही। ए और बी से, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये क्या है? इफिशियंसी है, सॉरी टाइम है ना। ये क्या है? टाइम है। इफिशियंसी के लिए हम लोग इसको रिवर्स कर लेते हैं, ये क्या आ गया? इफिशियंसी। अब आगे देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में द 3 मेन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। ये इफिशियंसी आपको याद हो गया, और कहा जा रहा है कि तीनों आदमी मिलकर उस काम को 5 दिनों में कर देते हैं। तो चलिए हम लोग तीनों आदमी को दिखाते हैं एक साथ। इसकी इफिशियंसी ए और सी की 4 है और बी की 1 है, दोनों मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5।
ए बी सी का, ए बी और सी की पोजीशन कितनी हो जाएगी, चार यहां है और यहां एक है, तो चार और एक पांच हो गई एफिशिएंसी, यहां तक एकदम सही है, पांच हो गई। और बी का एफिशिएंसी कितना है, वन है, तो बी का यहां लिख दिए हम लोग किसका, वन। ये क्या है, एफिशिएंसी है, ये क्या है, एफिशिएंसी यानी कैपेसिटी है। अब टाइम कितना लगेगा इन लोगों को, ये फिर रिवर्स हो जाएगा, तो यहां आ गया पांच, यहां आ जाएगा एक, यानी कि इसको लगेगा अगर पांच घंटा तो इन लोग को लगेगा कितना, एक घंटा, किसको, तीनों को। ये रेशियो है तो यहां लिख देंगे x, यहां लिख देंगे x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी सी को पांच घंटा लगता है, कितना लगता है, पांच दिन लगता है, ठीक है। तो हो गया x का वैल्यू आ गया कितना, पांच। अब कहेगा b को कितना दिन लगता है, तो 5 × 5 = 25, क्लियर हो गया, b को कितना टाइम लगा, 25। यहां तक हम क्लियर है, यही काम हम लोग यहां भी कर लेंगे। यहां देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, या एफिशिएंसी था, फिर करेंगे a b c, a b c तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीन और एक चार, शॉर्ट में करते हैं। यहां कितना है, b का है, C का है ना, C का है, देखिए C का वन लिख दिया गया। अब ये है हम लोगों का एफिशिएंसी का पोर्शन। अगर हम टाइम दिखाते हैं तो टाइम कितना लग जाएगा, इस तीनों को लगेगा एक और इसको लगेगा चार। फिर ये रेशियो है, आसान से ले सकते हैं, 1x = 5, तो 4x = क्या हो जाएगा, चलिए एक्स एक्स लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। यहां जैसे x लिखे थे, यहां भी एक्स एक्स होगा, तो 4x मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू, 20। ये किसका है, c का है, और ये किसका था, b का था। अब पूछा गया है b और c मिलाकर अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, इसके तो आप एक्सपर्ट ही हैं। अगर हमारे तीनों वीडियो को आप देखे हैं तो यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो आ रहा है उस पोर्शन के लिए लिख देंगे हम लोग यहां पर, देखिए b का वैल्यू है 25, c का वैल्यू है 20, निकालेंगे हम लोग एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 100 × 25 = 25 जो कि हमारा कैपेसिटी है, तो आंसर क्या करेंगे, 100/9 मीन्स क्या आ जाएगा, 11 × 1/9 इज द आंसर। सुनाए बच्चों, इसको दो तीन बार देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ध्यान देना है, ये था टाइम, रिवर्स किया गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को लेकर चले, फिर लाए टाइम और इस तरह से आंसर निकाले। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से ही पता लगता है कि कितना ये बड़ा क्वेश्चन है, और आजकल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। आइए देखते हैं इसको, आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है, मेरे लिए हमारे पेज पर है। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 45 आवर्स। एक पाइप ए है, वो किसी टंकी को भर सकता है 45 आवर्स में, 45 घंटे में, 45 घंटे में। पाइप बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए। यहाँ कुछ समझने की बात है कि जब भी रेशियो दिया जाता है इफिशियंसी का, तो हम किस तरह क्वेश्चन को टैकल करते हैं। पाइप बी इज 50%, तो यहाँ देखिए, यहाँ रख दिए ए और यहाँ रख दिए बी, ये 50% ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये क्या है 50% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 150, इसको क्रॉस करेंगे तो होगा 2 और ये होगा 3, और ये है क्या, इफिशियंसी दे रहे हैं, ठीक है। तो डेज कितना लगेगा, डेज रिवर्स हो जाएगा 2, ठीक है। और रेशियो है तो हमारा ट्रिक कहता है कि यहाँ x और यहाँ x लगेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 45, तो लिखेंगे 3x = 45, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा x वैल्यू 15, दैट मीन्स 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30। 2x वैल्यू कितना आएगा, 30, यानी कि b उस काम कर सकता है 30 दिनों में और a का दिया हुआ है 45, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं b का कितना आ गया, 30 आवर्स है ना, ठीक है, आवर्स लिखिए, डेज नहीं है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद कहा गया है एंड पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 7.5 आवर्स लेस देन बी। और जो पाइप सी है वो बी से 7.5 आवर्स टाइम कम लेता है, मीन्स सी का वैल्यू हो गया 22.5 आवर्स, ठीक है।
ये सारा माइनस नहीं है, चलिए रेशियो हमारा एलसीएम का जो मेथड है हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसका जब हम लोग निकालेंगे एलसीएम कितना आएगा 90, ठीक है, कितना आएगा 90। कभी कभी आपको लगता होगा इतना फास्ट कैसे लिख दिए, तो आप हमारे बोर्ड मास्क के सेक्शन को देख लीजिए, आप भी फास्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं है, 45 इंटू 2 किए तो हो गया 93, से डिविजिबल है 22.5 से भी डिविजिबल, इसलिए हो गया 90 हमारा एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो गई इफिशियंसी। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ए प्लस बी ओपन टुगेदर फॉर एक्स आर्स, ए और बी को एक्स आर्स के लिए ओपन कर दिया गया, तो ए और बी का वैल्यू कितना है 2 और 3, यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि हो गया 5, एक्स आर के लिए ओपन कर दिया गया। और इसके बाद कहा गया है एंड क्लोज्ड आफ्टर दैट, और फिर बंद कर दिया गया, एंड पाइप सी विल रिमेन रिमेनिंग टैंक, और उसके बाद क्या करता है, सी जो बचा हुआ पोर्शन है टंकी का उसको भरता है एक्स प्लस 9 आर्स में, एक्स प्लस 9 आर्स में। तो हम देखते हैं सी का स्पीड कितना है, 4 है एफिशिएंसी, एक्स प्लस 9 इंटू 4, इस 4 को हम इधर भी इंटू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेशियो बिटवीन टैंक फिल्ड बाई ए प्लस बी टूगेदर, तो टैंक फिल्ड बाई पाइप सी इज 1:2, ए और बी को जितना समय लगता है टंकी को भरने में, रेशियो दिया हुआ, तो हम लोग रेशियो कर देते हैं इसको, ये रेशियो कितना है 1:2 है, ये ए प्लस बी का है, ये सी का है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो आएगा दैट इज आर आंसर। अब देखिए सोल्व करते हैं, 5 × 2 = 10, तो यहां लिखते हैं 10x, ये यहां आ जाएगा 4x, 9 × 4 = 36 प्लस 36, इस 4 को इधर करेंगे तो हो जाएगा 6x, और इधर होगा 36, यानी कि x का वैल्यू आ गया 6 आर्स। यहां पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, 2-3 तरीका लिया गया, यहां टाइम एंड वर्क का मेथड लिया गया, यहां एफिशिएंसी का मेथड लिया गया, यहां रेशियो, तीनों का मिश्रण है, और ये इस बात को बताता है कि 1 सेकंड 2 सेकंड बनने वाला नहीं है। जरा सोचिए, अगर 1 सेकंड में कोई क्वेश्चन बन जाता तब तो बैंक पीओ का 35 क्वेश्चन 35 सेकंड में बन जाता। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है उसको समझकर और दिमाग से ये बात निकाल देना है कि 1 सेकंड 2 सेकंड और 5 सेकंड में आजकल जो मैथ्स आ रहा है वो बनने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी कि बी से ए क्या है 3 गुना है, इसका 3 times इफिशियंसी है। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, इफिशियंसी। बच्चों इसका ध्यान देना है कि लिख क्या रहे हैं, इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम, ये क्या आ गया हमारा टाइम। और आगे दिया हुआ क्वेश्चन में, देयर फॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 days लेस देन बी, और इस तरह ए को बी से 60 दिन कम लगता है। चलिए यहाँ एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो है, तो 3x - 1x = 60, 2x = 60 वैल्यू आ गया एक्स का 30। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू हो गया 30, यानी यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो ए करेगा उस काम को 30 दिन में, और बी करेगा, 3x है तो बी करेगा 90 डेज में। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग एलसीएम मेथड से कैसे काम होगा, ये ए है और ये बी है, ये 90 है 60 नहीं है, ए है और बी है, इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 90 × 3 = 91। यहाँ तक कर दिए, आगे देखते हैं क्या पूछा रहा है, इफ ए एंड बी कंप्लीट 2/3 ऑफ द जॉब एंड देन ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, ए और बी 2/3 जॉब कर लिया, तो देखते हैं 90 का 2/3 क्या होगा। इस तरह से 2 स्टेप क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसका 2/3 टोटल वर्क हमारा है 90 का 2/3 यानी कि हो जाएगा 60 काम हो गया। कह रहा है
ए और बी 2/3 काम को पूरा कर लिया, तो 2/3 काम कितना हो गया 60, तो रेस्ट वर्क यहाँ कितना बचा, रेस्ट वर्क है 90-60 यानी कि 30। अब इस 30 के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ए इज रिप्लेस्ड बाई सी, ये कौन कर रहा था, ए प्लस बी कर रहा था, अब ए को हटा दिया गया और उसके जगह कौन ला दिया गया, सी को ला दिया गया, ए इज रिप्लेस्ड बाई सी, द रिमेनिंग जॉब इज डन बाई बी एंड सी इन 10 डेज। अब इस काम को बी प्लस सी कर रहा है 10 दिनों के लिए। यहां पर देखिए कुछ बात है, काम करना है हमको 30 और बी और सी है, सी का स्पीड हमको नहीं पता है लेकिन बी का स्पीड पता है, बी की एफिशिएंसी 1 डेज की 1 है, बी की एफिशिएंसी 1 डेज की क्या है 1 है, तो हम देखते हैं कि बी 10 दिनों में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में करता है 1 काम, तो बी कर लेगा 10 दिनों में 1 का एफिशिएंसी है तो 10 वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा बचा हुआ कितना है, ये वर्क था टोटल वर्क बचा 30, तो फिर करेंगे रेस्ट वर्क, लिखने के लिए इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, ये सब आप नहीं लिख सकते हैं, सीधे घटा सकते हैं 30-10 20, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहां घटा रहा हूं, 30-10 = 20, ये 20 वर्क बच गया और सो कह रहा है ये 20 वर्क को कौन किया, सी किया 10 दिन में, तो लिखेंगे सी इन 10 डेज 20 वर्क, तो सी इन 1 डेज कितना वर्क करेगा 20/10 यानी कि 2, और ये 2 क्या है, यही 2 हो गई सी की एफिशिएंसी, ये 2 क्या हो गया, जिस तरह से बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की 3 है, जस्ट लाइक दैट सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, तो टोटल वर्क 90 कितने दिनों में करेगा सी, तो सी कर लेगा 90/2 यानी कि 45 क्या था डेज था ना 45 डेज। इस तरह हम निकाल लिए कि सी की एफिशिएंसी क्या है, तो सी का हो गया यहां पर 45। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क, इसका देखिए ये था हमारा कंडीशन नंबर 1 था, अब कंडीशन नंबर 2 यहां लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, कंडीशन नंबर 2 में क्या है, यही काम करना है, ए और बी 3/4 वर्क कर दिया, वर्क कितना है 90 into 3/4, जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे 22.4 यानी कि 67.5 वर्क हो गया, सीधे लिख सकते हैं रिमेनिंग वर्क, या इसी को हम बोलते हैं रेस्ट वर्क, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम या रेस्ट वर्क, काम था हमारा 90, 67.5 हो गया, तो 90 - 67.5 कितना आ जाएगा 22.5, यही वर्क हमारा बच गया, ये हमारा रिमेनिंग वर्क बच गया 22.5, यहाँ भी 22.5 था 4, 22.5 से कैंसिल होगा ये 90। इसके बाद अभी काम कौन कौन कर रहा था, अभी काम को ए और बी कर रहा था, काम कौन कर रहा था, देखिए ये था हम लोग का ए और बी, अब इस बार कहा पिछली बार क्या किया था, ए को रिप्लेस किया था, इस बार क्या कर रहा है, बी को रिप्लेस कर दे रहा है, पिछली बार हम लोगों ने दिखाया था बी प्लस सी काम, ए को यहां पर रिप्लेस कर दिया था, ए को हटा दिया, इस बार क्या कर रहा है, बी को हटा रहा है और कहता है उसके जगह पे आता है डी और काम खत्म हो जाता है कितने दिनों में 5 दिनों में, ए और डी काम खत्म कर लेता है कितने दिनों में 5 दिनों में, तो ए प्लस डी काम करता है कितने दिन तक 5 दिनों तक, यहां पर हमको देखना है कि ए की एफिशिएंसी हमको मालूम है, एक एफिशिएंसी मालूम है तो ए से हम करवा लेते हैं 5 दिनों तक, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो यहां देखिए ए करता है 3 के स्पीड से 5 दिनों तक, तो 15 वर्क कर दिया, ए कर दिया कितना 15 वर्क, ए कितना कर दिया 15 वर्क 5 दिनों में, ए कर दिया 15, 3 ये इसका एफिशिएंसी है और 5 दिनों में 15। अब रेस्ट वर्क कितना बच गया, आइए इसको यहां देखते हैं,
रेस्ट वर्क बच गया 22.5 माइनस 15, रेस्ट वर्क जो कि डी करेगा 22.5 माइनस 15 इक्वल टू 7.5। इस 7.5 को 5 दिन में कौन करेगा? डी करेगा। तो जैसे यहाँ लिखे थे सी इन 10 डेज, उस तरह लिखेंगे डी इन 5 डेज में कितना वर्क है? 7.5। यहाँ से हम 5 से इसको क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा 1.5। और ये क्या हो गया? इफिशियंसी, जैसे यहाँ 2 निकाले थे तो ये हो गया इफिशियंसी डी इक्वल टू 1.5। ये इसकी एफिशिएंसी है। पूरा वर्क कितना है हम लोग का? 90। तो लिख देंगे डी को टाइम कितना लगेगा पूरा वर्क करने में? 90, 1.5 काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 60, यानी कि डी 60 डेज में काम कर लेगा। ठीक है, अब देखिए डी की भी वैल्यू आ गई 60। अभी भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, अभी और कुछ इसमें है। How long will it take for A, B, C and D to complete the job working together? अगर ये चारों एक साथ काम करेगा तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो इसके बाद तो आपको आता ही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चारों मिलकर काम कितने दिनों में कर लेंगे। चलिए यहाँ तक आ गया, हमारा D का वैल्यू भी आ गया, C का वैल्यू भी आ गया और A, B का वैल्यू था। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग इस बात को यहाँ देख लेते हैं। क्या है? ए का वैल्यू आपको पता है 30, बी का वैल्यू पता है 90, सी का वैल्यू आ गया है 45, डी का वैल्यू आ गया है 60। अब तो आप इसके एक्सपर्ट हैं, अब तो आप इसके एक्सपर्ट हैं, आसानी से हो जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम अगर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना? 180। ठीक है, 3 से करेंगे तो आएगा 6, 9 से आएगा 2, इसे करेंगे तो आ जाएगा 4, इसे करेंगे आ जाएगा 3। तो 6, 2, 8, 4, 12, 3, 15, यानी काम खत्म हो जाएगा 180/15 काटेंगे तो 12 डेज। दोस्तों देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी तो सोचना है कि बैंक पीओ का क्वेश्चन है ना। और ऐसा क्वेश्चन क्या आपको लग रहा है कि एक सेकंड में हो जाएगा? इस क्वेश्चन को एक सेकंड में अब आप भी बना सकते हैं, क्योंकि अब तो आपको आंसर याद हो गया कि 12 आंसर है, है ना। कहीं अगर लिखा हुआ है कि एक सेकंड में बन जाएगा, जरूर बनेगा। कब? पूरा देखने के बाद। 12 आंसर याद हो गया, चॉइस में टिक आउट कर दीजिए और बोलिए कि एक सेकंड बना लिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैथ्स अगर बनाना है तो बनाना है। अब वो समय बीत गया कि देख देख के हम लोग आंसर देते थे। बेसिक्स पता रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, लास्ट में यहाँ जाकर आंसर हुआ। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो अलग से भी आप कई बना चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेशन ही कुछ बड़े क्वेश्चंस का है, बैंक पीओ क्वेश्चंस का है, सीजीएल क्वेश्चंस का है, इसलिए आप घबराए नहीं, ध्यान से सुने। यही वो क्वेश्चन सब हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजॉय कीजिए आप। बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, क्योंकि बार बार कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए बना लेना है, हो जाएगा। सब कोई क्वालिफाई करता है, आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। 4 पर्सन स्टार्टेड टू डू ए वर्क टुगेदर, 4 लोग एक साथ काम स्टार्ट किए, 4 लोग एक साथ काम। ए वर्क ओनली इन स्टार्टिंग 2 डेज, ए सिर्फ 2 दिन काम किया, मीन्स 2 दिन काम करके ए छोड़ दिया। आफ्टर दैट बी सी एंड डी वर्क्स अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम बी, इसके बाद बी सी और डी, यानी कि ए बी सी डी 4 आदमी है। चलिए यहाँ देखिए इसका अप्रोच क्या होगा, ए बी सी और डी 4 आदमी, चूंकि ऑल्टरनेट कर रहा है इसलिए ऐसा लिख दिए हैं। तो ए सिर्फ 2 दिन तक काम करता है, ठीक है, ये डेज है। ए क्या करता है? सिर्फ 2 दिन तक काम करता है, और इसके बाद यहाँ से अल्टरनेट ये लोग काम करता है, और स्टार्टिंग होता है बी से, यानी कि एक दिन करेगा बी, फिर करेगा सी, फिर करेगा डी, अब फिर शुरू हो जाएगा बी सी डी, फिर शुरू हो जाएगा बी सी डी। और आगे कहा हुआ क्वेश्चन में
लास्ट में देख रहे हैं, इफ वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज, काम खत्म होता है पूरा 12 दिनों में, दो दिन तो यहां हो गया है और 10 दिन ही लोगों करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गया, फिर यहां कौन आएगा, बी, यानी कि बी ने काम किया 4 दिनों तक, तो बी का लिख देंगे, चलिए सबका पहले 2 डेज तो सबका था अलग अलग लिखे हैं, इसके बाद बी का हो गया 4 दिन, सी का हो गया 3 दिन, 1 2 3 दिन, और डी का हो गया 1 2 3 दिन। बच्चों इस तरह लिखना काफ़ी डिफिकल्ट है। एक मज़ेदार बात आपको बताते हैं कि कभी कभी मेथड्स याद भी करना होता है कि कैसे बनाते हैं, ये तो लॉजिक है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा, ये तरीका आप जब तक नहीं सीखेंगे क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा। आगे देखते हैं क्या लिखता है। इस प्रकार हम एक बार काउंट भी कर लेते हैं, कौन कौन कितना दिन काम किया, ये सिर्फ किया 2 दिन तक, ये किया 6 दिन तक, ये किया 5 दिन तक, और ये भी किया 5 दिन तक। अब आगे कह रहा है, रेशियो ऑफ टाइम बाई ए बी सी एंड डी इफ दे वर्क एलोन, यदि वो अकेले काम करते तो रेशियो क्या दिया हुआ है, 4 3 2 एंड 5। तो अब देखा जाए, यहां पर इसका 2 है, 6 है, 5 है, 5 है, आइए ए का लिखते हैं हम लोग 2, बी का लिखते हैं क्या 6, इतना ही दिन काम किया, डी का क्या है, सी का क्या है 5, और डी का क्या है 5, इसका रेशियो दिया हुआ है क्या है 4x, हमेशा कहे थे रेशियो में x लगा देना है, इसका क्या है 3x, इसका क्या है 2x, ये क्या है 5x इक्वल टू 1। अब इसको जो सबसे फास्ट सॉल्व कर देगा उसका आंसर आ जाएगा, इतना ही तो करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना दिन ए काम किया था, बी काम किया, सी काम किया, डी किया, और ये दिन दिया हुआ है कि यही इसका प्लस कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये अब जोड़ेंगे तब ना आएगा 1, रेशियो था वो, लेकिन जब सबको जोड़ेंगे तब आ जाएगा एक काम, ध्यान दीजिएगा, कि डाउट नहीं होना चाहिए, सारा रेशियो था ये सब, ये 4x 3x 2x 5x, और जब हम इस तरह निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये सारे का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 2 5। यहाँ पर एक बात देख लीजिए, इसका हमको एलसीएम निकालना है, हम लोग इसमें और कुछ चमत्कार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4 ये कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, ये तो नहीं कटेगा, 5 5 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आपको सोल्व करने में थोड़ा और सुविधा हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये 1/2x प्लस, ये 2 टाइम्स कटा था, ये हो गया 2/x प्लस 5/, ठीक है, ये सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 2 है, इजी करने के लिए, अदरवाइज हम तो यही आंसर निकाल देते, ये क्या हो गया 2x, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 हो गया ना, प्लस 5, ये हो गया 2, बल देखिए 4 1 5 5 10 और 2, यही लिख देते हैं 12, ऐसे है ना, अब यहाँ लिखेंगे 12 और 2x, 2 से काट दिया, आ गया 6, आ गया 6। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, ए और सी काम को कितने दिन में करेगा, एक्स वैल्यू आ गया है 6, इसको हम लोग पुट करना है ए और सी में, तो ए का वैल्यू था 4x, ध्यान देंगे ए का वैल्यू था 4x, तो क्या हो जाएगा 24, सी का वैल्यू है 2x, तो क्या हो जाएगा 12, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि काम खत्म हो जाएगा 8 दिनों में। तो बच्चों ये बात समझ में आई, इसको 2-3 बार करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तब जाकर बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। इस तरह का क्वेश्चन बच्चे आप बहुत बार बना चुके हैं, ए और बी करता है काम को 16 दिनों में, और बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 32 डेज, बी और सी करता है 32 डेज में, ध्यान देना है, एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 डेज, और सी करता है 80 डेज में। आइए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 160। कभी कभी आपको लगता होगा सर कैसे तुरंत बोल दिए 160, जो सबसे बड़ा है उसको डबल कीजिए, 160 की 32 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, तो हो गया एलसीएम, तो 16 10 जा 32 5 जा 80
टूजा। अब हमको निकालना है कि V का एफिशिएंसी कितना है और A का एफिशिएंसी कितना है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ पहले के वीडियो में। यहाँ से देखते हैं हम लोग, अगर इस दोनों को अगर देखेंगे तो यहाँ से सी सी माइनस हो जाएगा। बी और सी का वैल्यू है 5 और सी का सिंगल वैल्यू है 2, मीन्स 5 माइनस 2 अगर करेंगे तो वी का निकल जाएगा, ठीक है ना। 5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 3, ये किसका हो जाएगा वैल्यू, बी का, तो बी का वैल्यू आ गया 3। मुझे उम्मीद है बच्चे आप समझ रहे होंगे इस बात को। बी और सी का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 2, माइनस कर निकल गया बी का 3। अब इस बी को लेंगे ए बी के साथ, ए और बी का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 3, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो निकल जाएगा किसका, ए का। बी का वैल्यू है 3 और दोनों मिलाकर कितना वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो ए का निकल जाएगा क्या 7। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए का हमारा इफिशियंसी कितना आ गया है 7 और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई है 3। ये समझाने के लिए आपको लिख दिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। ए का इफिशियंसी निकल गया, बी की इफिशियंसी निकल गई। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर ए वर्क फॉर 4 डेज, ए करता है 4 डेज काम और बी करता है 12 डेज काम, ये बी का है। तो ए का एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 7 × 4 और बी का क्या एफिशिएंसी है 3 है, तो 3 × 12। और इसके बाद कहता है कि बचे हुए काम को सी कर लेता है कितने दिनों में, 2x दिनों में। दिया हुआ क्वेश्चन में टाइम टेकन बाय सी कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इन एक्स डेज, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, इसलिए हम लिख दिए यहां 2 और x डेज दिया हुआ है और टोटल काम कितना है 160। बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये a 4 डेज वर्क 7 एफिशिएंसी इनटू 4, b 12 डेज वर्क 3 एफिशिएंसी इनटू 12 और c की एफिशिएंसी कितनी है 2 है और x दिया हुआ है इसलिए लिख दिया गया। अब हमारा हो गया 28 प्लस 36 प्लस 2x इक्वल टू 160, ये हो गया 64, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू, सीधे माइनस कर देते हैं तो 96, 2 से क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा 48, यानी कि x का वैल्यू हम लोग का आ गया 48। अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, आप देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आप देख रहे हैं ना। आगे कहा जा रहा है पी क्यू आर टेक x माइनस 28 डेज, x माइनस 18 डेज एंड x माइनस 8 डेज रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ जॉब। पी क्यू आर, देखिए एक P है, एक Q है, एक R है और P करता है x माइनस 28 डेज, x बोला गया 48, यानी कि 48 ये करता है x माइनस 28, वैल्यू कितना हो जाएगा 48 माइनस 28 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20, यानी कि P करता है 20 दिनों में। Q का वैल्यू है x माइनस 18, तो क्वेश्चन लिखा हुआ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, 48 माइनस 18 क्या हो जाएगा 30 और r का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 8 मीन्स हो गया 40। अब हम लोग यहाँ से LCM निकाल सकते हैं, अब LCM अगर निकालेंगे तो LCM कितना आएगा इसका 120, 6, 4 और 3। आगे पूछा जा रहा है द थ्री वर्क इन रोटेशन टू कंप्लीट द जॉब विथ ओनली वन पर्सन वर्किंग ऑन अ डे, एक आदमी एक दिन काम करता है, मीन्स ऑल्टरनेट डे काम हो रहा है, आज कर रहा है पी, कल कर रहा है क्यू, परसों कर रहा है आर, इफिशियंसी ज्यादा किसकी है पी की है। तो कहा जा रहा है वी शुड स्टार्ट द जॉब सो दैट द जॉब इज कंप्लीटेड इन द लिस्ट पॉसिबल टाइम, काम जल्दी कैसे खत्म होगा, किससे काम शुरू करवाया जाए। नेचुरल है अगर हम पी से काम शुरू करवाएंगे तो जल्दी होगा, ऑल्टरनेट करना देखने की बात है। यहां पर पी का वैल्यू है 20, ये नहीं देखिए आप, अब इफिशियंसी देखिए, पी की इफिशियंसी है 6, क्यू की है 4, आर की है 3, किससे पहले काम शुरू करवाएंगे, एक साथ नहीं करना, ऑल्टरनेट करना है, तो जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है हम वहीं शुरू कराते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि P अगर काम को स्टार्ट करेगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स P इज द आंसर। समझ में आ गई बात आपको, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इतना टेढ़ा टेढ़ा जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पर एक शायरी बनती है क्या, ताकि थोड़ा सा आपको रिलैक्स लगे, बहुत ज़्यादा बोर नहीं होना है
और बहुत चिंतित नहीं होना है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप दो बार तीन बार अगर देख लें, खुद कॉपी में नोट करके बना लें, तो आपको मज़ा आने वाला है। और वैसे भी सिर्फ सोचने से कुछ होता नहीं है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, क्वेश्चन बनाना भी ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए, क्वेश्चन बनाना भी ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री मेन ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स। यहाँ एक बात बच्चों आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये लिटिल बिट क्या कहें, टेढ़ा है, टीडियस है, भारी है, आपको जो समझ जाइए, लेकिन इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन लगाकर देखना होगा और सुनना होगा हमारी बात को। थ्री मैन ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स ए डे कैन प्रिंट 900 पेजेस इन 20 डेज। अगर हम लोग ऐसा लिखते ए प्लस बी प्लस सी करता क्या है, 8 आवर्स अ डे 20 डेज तक किया और 900 पेज टाइप किया। ये देखिए ये मैन हो गया, ये डेज हो गया, ये हमारा वर्क हो गया, ये कोई नया चीज़ नहीं है, पहले से आपको समझाया हुआ है। अगर हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में किया, तो 900/8/20 काटेंगे तो आ जाएगा 45/8। इस तरह से ए बी सी मिलकर काम कितना कर दिया, 45/8। आगे कह रहा है In a day, B print as many pages more than A. कितना पेज ज़्यादा प्रिंट करता है B A से, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे B माइनस A, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। As C print as many pages more than B. C क्या करता है, उतना पेज ज़्यादा एज सी प्रिंट एज मैनी पेजेस मोर देन बी सी प्रिंट सॉरी सी प्रिंट मोर देन, ठीक हो गया। ये एक कंडीशन है, यहां पर हमको ध्यान देना है, यहां बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। यहां अगर हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा। यहां आ गया बी का वैल्यू, और भी आगे कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, जो कंडीशन दिया हुआ धीरे 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 करेंगे, और कहते भी हैं धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। समय आएगा आपकी नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन पहले आप समझना तो स्टार्ट कीजिए बच्चों, घबराना नहीं है, समझना है इसको। यहाँ एक कंडीशन और दिया हुआ, द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड ए इन 4 आवर्स। एक कंडीशन और आ गया, ए 4 आवर्स में जितना प्रिंट करता है इज इक्वल टू द पेजेस प्रिंटेड बाय सी इन 1 आवर्स। सी 1 आवर्स में ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ए का, ए इक्वल टू हो जाएगा सी बाय 4, ठीक है। एक वैल्यू कितना हो गया यहां से, सी बाय 4। तो पूछा आ रहा है हाउ मेनी पेजेस सी प्रिंट इन ईच आवर, तो एक घंटे में सी कितना प्रिंट करता है। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू मिला हुआ, इतना ए का वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू पुट कर देंगे, सी तो है ही जो कहते हो। अब यहां पर अगर ए का वैल्यू सी बाई 4 है, तो बी में अगर हम लोग ए का वैल्यू यहां अगर पुट कर दें यहां अगर, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसको यहां हम पुट कर रहे हैं, ए का वैल्यू है सी बाई 4, तो सी बाई 4 प्लस सी बाई 2, तो 4c और c क्या हो जाएगा 5c/2, कितना आ जाएगा वैल्यू 5c/8 हो जाएगा, नहीं ये 4 नीचे आ जाएगा, तो सॉरी यहां से ये 4 है हो गया 5, ये 4 नीचे आ गया तो 5c/8। तो यहां वैल्यू हो गया बी का हम लोगों का 5c/8। अब वैल्यू पुट करते ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45/8। ए का वैल्यू आ गया सी बाई 4, बी का वैल्यू आ गया 5c/8 और सी है इक्वल टू 45/8। यहां से हम आसानी से, कोई भी यहां से आसानी से वैल्यू निकाल सकता है सी का। आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा एलसीएम 8, 4 2 जा हो गया 2c, 8 1 जा
हो गया 5c और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 8c इक्वल टू 45 बाई 8। ठीक है, ये 8 ऐसे ही कट गया। अब हो जाएगा 8 एंड टू 10 15c, 15c इक्वल टू 45। यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे 45 बाई 15 काटेंगे तो आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर है। ये क्या आया, c एक घंटे में 3 पेज टाइप करेगा, प्रिंट करेगा। दिस इज आवर आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था मगर आप देख लीजिए, ए बी सी 8 hours 20 days 900 पेजेस प्रिंट करता है। ए बी सी का वैल्यू लिख देंगे इक्वल टू के जब पार जाएगा, देखिए इक्वल टू इधर अगर आएगा तो 900 बाई इतना 45 बाई 8 वर्क हो गया। फिर दिया हुआ है बी ए से उतना ही ज़्यादा करता है जितना बी सी से कम करता है, तो इसको इक्वल टू करेंगे तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, और फिर b का वैल्यू आ गया ए प्लस सी बाई 2। अब इसके बाद हम यहाँ आ गए थे, लिखा हुआ है क्या था क्वेश्चन में, ए इन 4 hours इज इक्वल, ए जितना प्रिंट करता है 4 घंटे में उतना सी करता है 1 घंटे में, तो एक वैल्यू हो गया सी बाई 4। इस सी बाई 4 का वैल्यू यहाँ पर बी में हम पुट किए, बी का वैल्यू था ए प्लस सी बाई 2, ए का वैल्यू पुट कर दिए सी बाई 4 प्लस सी बाई 2, तो आ गया बी का वैल्यू 5c/8। क्यों निकाले, क्योंकि बी का वैल्यू अलग मिल गया, सी का अलग मिल गया और ए का वैल्यू अलग मिल गया है। सी का तो निकालना ही है, निकलेगा बाद में, ए प्लस बी प्लस सी 45/8। इस तरह से अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन धीरे 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 अगर आप बनाएंगे आपको रियल मज़ा आएगा और मन में भी विश्वास रहेगा कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई, और हम क्वालिफाई कर रहे हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 90 days, बी इन 40 days एंड सी इन 12 days। सारा लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए का क्या है 90 days, बी का है 40 days और सी का है 12 days। ये लोग इतना काम करता है। दे वर्क फॉर अ डे इन टर्न, दैट इज फर्स्ट ए डज इट अलोन, सेकेंड डे बी डज इट अलोन एंड थर्ड डे सी डज इट अलोन। लैंग्वेज सिर्फ बड़ा है, सीधे लिख देता दे वर्क अल्टरनेटली, दे वर्क इन अल्टरनेट डेज, इतना ही खाली अगर लिखा रहता तो काम हमारा हो जाता। आइए इसको देखते हैं हम लोग एलसीएम निकाल के, एलसीएम कितना होगा, हो जाएगा इसका 360, 19 4 जा यहाँ 9 जा और ये हो जाएगा 30, ये निकल गया 4, 9 और 30 एफिशिएंसी। आफ्टर दैट द साइकिल इन रिपीटेड टिल द वर्क इज फिनिश्ड, ये चलते जाता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाए। तो हम देखते हैं ये लोग की एफिशिएंसी कितनी है, 4 and 9, 13 and 30, 43। अगर ये काम अगर ख़त्म होना होता तो 43 से डिवाइड कर देते। हम देखते हैं कि अगर हम इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे थोड़ा सा कम आए, तो हम देख पा रहे हैं कि 8 times करने से हो जाएगा, यानी कि 8 दिन ए किया, 8 दिन बी किया, 8 दिन सी किया। चलिए आपको हम यहाँ पर ए बी सी दिखा देते हैं, 8 दिन ए किया, 8 दिन बी किया, 8 दिन सी किया और काम कितना हो गया 8 3 = 24, 8 4 = 32, ये इतना वर्क हो गया। पता है सबको कि ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, जब माइनस करेंगे इसको हम लोग तो रेस्ट वर्क कितना आ जाएगा 16। अब 8 दिन तक हो गया, 9वां दिन काम कौन करेगा, तो 9वां दिन करेगा ए, ए कितना काम करेगा 4 काम करेगा, ए कितना करेगा 4 काम, बी कितना करेगा 9 काम उसके अगले दिन 10वें दिन। तो देखिए ये दोनों मिलाकर 13 काम कर दिया, काम कितना बच गया 3, इस 3 को कौन करेगा सी करेगा और सी का स्पीड कितना है 30, तो सी करेगा 3/30 यानी कि 1/10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 दिन और कर दिया ए तो इसको +1 कर देते हैं, 1 दिन और कर दिया बी तो कर देते हैं, सी तो पूरा नहीं किया, सी कितना किया 1/10। ठीक है, तो ये ए कर दिया 9, बी कर दिया 9 और सी कर दिया 81/10। इस तरह हम लोगों ने देखा कि यहाँ काम समाप्त हो रहा है। कह रहा है दे गेट 240 rupees फॉर दिस जॉब, इन लोगों को मिलता कितना है 240 रुपया मिलता है, 240 रुपया तीनों को मिलता है, लेकिन और कुछ दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, इफ द रुपीज आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क ईच हैड डन, उन लोगों ने जितना जितना काम किया तो ये किया एक या नौ दिन, रेशियो क्या है इसका, इफिशियंसी फोर है तो हो जाएगा फोर, और ये कितना किया है नाइन, तो ये हो जाएगा नाइन, ये 81 इंटू क्या हो जाएगा 30, ये इनका रेशियो हो गया था क्वेश्चन में, आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क, वो जितना जितना काम किए उतना ही में इनको 240, फाइंड द अमाउंट ए विल गेट, तो हमको बताना है कि ए को कितना पैसा मिलेगा। अब देख लेते हैं इसका वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया 36, चलिए x लिख देते हैं, 99 जा 81 x, 81 देखिए जी जो कट गया, ये कितना हो जाएगा 243 x, वैल्यू निकालना किसका है a का, तो ये है हम लोगों का a, इसको ऐड करते हैं हम लोग 3 and 1 4 and 6 0, 5 and 8 13 and 3 16, इन हैंड 1 2 and 1, तो यहां से x का वैल्यू हो गया 240 by x, अब इस वैल्यू को यहां हम लोग पुट कर देंगे, सॉरी 360, देखो x ले दिए, ये x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा 36 into 240 by 360, जो जो कट गया ये कट गया, यानी कि 24 रुपीज, ये किसका वैल्यू है ए का। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से आप इसको देख लें, दिया हुआ वैल्यू ए करता है 90 डेज में, बी 40, सी 12 निकाल दिए हम लोग, इफिशियंसी 4 9 13 आ गया, कहता है ऑल्टरनेट डे काम कर रहा है, दे वर्क ऑल्टरनेटली, एक दिन किया ए फिर किया बी फिर किया सी, तो ऐसा हम देखते हैं कि इसको जब 4 9 30 करते हैं 43 आया, 43 कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से कम होगा, तो हम देख रहे हैं 8 times 344 वर्क हो गया, अगर 8 बार कर दी, इसलिए हम लिखे थे 8 8 और 8, ए किया 8 बी किया 8 सी किया 8, उसका रेस्ट वर्क बच गया 16, अब कौन करेगा ए करेगा, तो ए करेगा 4 काम, बी करेगा 9 काम, दोनों मिलाकर हो गया 13 काम, 16 माइनस 13 किए तो आ गया 3 काम, इसको करा देंगे सी से, सी का एफिशिएंसी 30 है तो 3 by 30 1 by 10 आ गया, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए हम 1 by 10, अब इफिशियंसी से मल्टीप्लाई किए, इसमें कहा गया है जितना वो काम करता है उसी इफिशियंसी से पैसा मिलेगा, 9 into 4 9 into 9 और 81 by 10 into 30, ठीक है, इस तरह से हमारा रेशियो आ गया 36x 81x 243x 240, वैल्यू आ गया x का 240 by 360, a का पूछा गया है तो a का कितना है 36x है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 240 by 360, आंसर आ गया 24। दोस्तों आज के सेशन में आपने देखा तरह तरह का क्वेश्चन जो कभी भी लाइफ में 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड और 10 सेकंड और इवन के 1-2 मिनट में भी नहीं बनने वाला है, अगर आप बहुत फास्ट हैं देन इट विल टेक 2 मिनट्स, और चलिए और कम कर देते हैं 1.5 मिनट्स, उससे कम में नहीं बनेगा, अगर बहुत फास्ट हैं तब घबराना नहीं है, क्वेश्चन पूरा टाइम लीजिए, आप 2 मिनट ले लीजिए 2.5 मिनट ले लीजिए, लेकिन सही बनाइए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि बार बार कहते हैं जल्दीबाजी किसका है, जल्दी काम शैतान का, और आप तो अफसर बनने जा रहे हैं, कहते हैं सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, क्या क्या करना होगा, देखिए सिर्फ पढ़ने से कहाँ मिलती है नौकरी, सिर्फ पढ़ने से कहाँ मिलती है नौकरी, सेठ बनाना पड़ता है, सेठ बार बार बनाना पड़ता है और जज्बा जगाना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए, थैंक यू।